Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Everybody is keeping healthy, safe and fine. And those who are new, subscribe. So it is currently 10:30 in the morning and I just woke up. थोड़ी देर पहले उठी हूँ मैं. And मतलब in this vlog I'll show you how I spend my day off. मतलब मेरा जब छुट्टी रहता है, जब फ्लाइट्स नहीं होती है तो मैं क्या करती हूँ. एंड सेकेंडली मेरा आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. सो मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट भी लेना था. मुझे अपने यू नो कंपनी में उसको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स को. सो उसके लिए आई हैव टू गो एंड विजिट माई डॉक्टर. एंड या देन आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी. Till then, stay tuned and do like, share, subscribe. This is how my kitchen looks. कुछ खास है नहीं मेरे किचन में. बट एंड अभी मेरे को बर्तन धोने का है. इतना सारा बर्तन है. आई शो यू कितना बर्तन है. सी पूरे बर्तन ही बर्तन है. सो आई सी यू आफ्टर सम टाइम. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. अर्लियर माई मॉम यूज़ टू टेल मी खाना बनाना सीख लो एंड ऑल. तो उस टाइम पे मैं ना एकदम बिल्कुल इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती थी. मेरे को लगता नहीं था कि मैं ऐसे बाहर जाके कभी अकेले बाहर भी रहूँगी. तो उस टाइम पे मम्मा इतना सिखाती थी खाना बनाना सीख लो ये वो. एंड मतलब मैं सुनती नहीं थी. एंड प्लस मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये है मेरी सिस्टर एल्डर सिस्टर जो है वो मुझे कुछ करने नहीं देती थी. शी यूज़ टू टेक केयर ऑफ एवरी थिंग. शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग अभी टू. शी इज़ अ टीचर बट स्टिल नो तो कुछ भी काम नहीं करने देती थी मुझे. मे बी बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ इसीलिए ऐसा दिमाग माइंड सेट होता था. बट मेरी सिस्टर का भी बहुत सपोर्ट था. तो तुम अगर तू ये वीडियो देख रही है ना तो तेरी वजह से देख रहा मेरे को कितना प्रॉब्लम हो रहा है. अभी देख रही है ना खाना भी बनाना नहीं आता है मेरे को ढंग से. कुछ भी बिगाड़ा है कुछ भी. बट ट्रस्ट मी आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक हर बिकॉज although she is you know working अभी भी मैं घर जाती हूँ. उसका लाइफ इतना हेक्टिक रहता है बिकॉज यू नो हाउ टीचर का लाइफ कैसा रहता है. स्टिल शी यू नो गिव मी बहुत ज़्यादा लेके जाके मतलब एकदम वो कराती है. मतलब ऐसा नहीं फील कराती जैसे कि मतलब मेरा एक मिनट डॉक्टर मतलब वो एकदम ऐसा फील कराती है कि जैसे कि ना मतलब शी इज़ फ्री फॉर मी. मतलब वो कुछ भी कर रही हो ना जो छोड़ के मेरे साथ बैठ जाती है. शी मेक श्योर कि वो मेरे साथ ना अपना 100% दे. जब भी जितने जितने सपोज आई गो फॉर 1 week ना तो मेक श्योर करती है 1 week में वो मतलब 4 days तो वो मेरे साथ रहे. तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक हर बिकॉज शी इज़ एक्चुअली माई स्ट्रेंथ. बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होती. आई ट्रस्ट मी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बोलते हैं ना जो लाइफ में है. सो दैट्स माई सिस्टर माई माई एल्डर सिस्टर. आई विल टेल यू कोई भी नहीं करता किसी के लिए भी.
उसके ऊपर भी जो स्टोरी है आई विल पोस्ट इट, आई टेल जब वो मेरे साथ यहाँ हैदराबाद में आएगी, इफ़ आई गो देहरादून अपने घर, उसके साथ ही मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मेरा इंटरव्यू में हुआ था, तो उसको ही रख के उस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, वाई आई कंसिडर हर माई स्ट्रेंथ माई इंस्पिरेशन एंड एवरी थिंग। मैं खाना वाना खा के आप लोग से तब बात, ये क्यू एन ए है जो मतलब मेरे से जिसने फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे अबाउट कैबिन अटेंडेंट, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के पोस्ट करने वाली हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और इस वाले वीडियो में एटलीस्ट मेरे 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज। एंड नहीं प्लीज एंड मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ यार हर चीज के लिए, तो थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार प्लीज। एंड हमें खाना खाने के बाद आपसे बात करती हूँ, स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। मेरे से फिक्स नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब आई डोंट नो कैसे करना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड या आफ्टर 6:30 अपॉइंटमेंट इज़ अराउंड 6:30, तो मतलब मेरे को थोड़े काम भी है तो मुझे वो भी देखना है, एंड उसके बाद खाना है, काम है, दिन में खाना भी बनाना है। एंड देन यार दिस इज़ द थिंग नो आई डोंट लाइक यार घर से बाहर रहना एंड यू नो अपने लिए खाना बनाना एंड ऑल वर्स्ट। हैदराबाद का वेदर कुछ पता नहीं चलता है। दिन थोड़ा ऐसे ही हो गया, इवनिंग हो गया। हैदराबाद का वेदर इज अमेजिंग नाउडेज। मैं तो खाऊंगी आज गोलगप्पे, अभी बहुत दिन से क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे खाने की। सो मेरा फ्रेंड एकदम बोर हो रहा है, वो मेरी शक्ल में ऐसे देख रहा है कि इसको अचानक से हो क्या गया आजकल, मैं ज़्यादा ही ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करने लग गई हूँ आजकल, तो इसीलिए सब लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं। आई डोंट केयर, मेरे को बनाना है तो बनाना है। सो मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ एंड दिस इज द हॉस्पिटल, वेट कर रहे हैं बिकॉज अभी टाइम नहीं हुआ है, इट्स करेंटली 6 और अपॉइंटमेंट 6:30 का है, तो वेट करते हैं। और मेरे को कुछ काम नहीं है तो मैं बस बाल वाल सेट कर रही हूँ अपने मतलब कुछ भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी हम लोग हॉस्पिटल से भी आ गए हैं, सब कुछ कर लिया है, एंड देन मतलब रास्ते में मेरे को जूस का एक शॉप दिखा तो मुझे जूस पीने का मन कर रहा है अभी। सो माय फ्रेंड ही वेंट और अभी जाके लेके आएगा मेरे लिए, तो मतलब पीना तो नहीं चाहिए बट मेरे मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, तो मैं पी लूँगी अभी। तो या डॉक्टर ने मना किया है बट दवाई भी खानी है और क्या बोलते हैं कुछ तो एक डायलॉग रहता है ना वो। सो एक्चुअली मेरे को कोल्ड हुआ है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा वाला ग्लास मंगाया, बिकॉज अगर ज़्यादा पीऊँगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। पीना ही नहीं चाहिए आई नो बट अभी मुंह है ना कंट्रोल नहीं होता मुंह में, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग साइड। सो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं घर के लिए, मतलब सो मैं भी और क्या लेना ना, एक शैम्पू, हियर इज माय शैम्पू। सो दिस इज विजेता, सो वी आर इन विजेता राइट नाउ शॉपिंग। जल्दी जल्दी ले लूँ ताकि कोई और ना ले ले। शुभम भैया हाय, बोलो बोलो। अभी हम लोग गोलगप्पे खा के घर जा रहे हैं एंड इनके पास गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। दोस्त वाज स्टेइंग नियर बाय टू द एयरपोर्ट लाइक हैदराबाद में,
प्लीज एक बार आके ट्राई करना, बहुत अच्छा बनाते हैं गोलगप्पा लिटरली, मतलब ये ना उसके बाद सूखी पूरी भी देते हैं, अमेजिंग रहता है इनका एकदम. यू शुड ट्राई दोस हु आर इन हैदराबाद एंड स्टेइंग नियर बाय टू द एयरपोर्ट शुड यू नो डेफिनेटली कम. आई मतलब आना ही चाहिए आप लोगों को, एक बार ट्राई करिए आके. और शुभम भैया थोड़े शाय थे इसीलिए वो मेरे साथ ज्यादा उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, सो डोंट जज बिकॉज ऑफ दैट. ओके सो आई सी यू घर जाके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय. मैं घर पहुंच चुकी हूं एंड या जैसे कुछ चेकअप, मतलब मेरा आज अपॉइंटमेंट भी था डॉक्टर के साथ, तो इसीलिए मेरे को चेकअप भी कराना था. मतलब अभी मेरा कोल्ड ठीक है या नहीं उसके लिए, तो रेगुलर एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब अभी ठीक हो गया है सब कुछ. कुछ इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा है जिसके लिए आई एम टेकिंग मेडिसिन, बट अभी मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं है मेरी. तो या ये व्लॉग मतलब मेरे, अगर मेरी फ्लाइट्स नहीं होती है, मतलब मैं दिन भर क्या करती हूँ, बेसिकली उस चीज़ के ऊपर था ये ब्लॉग. एंड या तो मतलब अगर मेरी फ्लाइट्स नहीं रहती हैं और मेरे को कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं ये ही सब करती हूँ. लेट उठती हूँ, 11 बजे तक उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद उठ के मेरे सारे दूसरे काम जो भी रहते हैं वो देखती हूँ. सो ऐसे ही था मैं, उसके चक्कर से आज मैंने अपना मतलब शॉपिंग भी कर लिया घर का जो मुझे सामान चाहिए था, और साथ में मैंने गोलगप्पे भी खा लिए बिकॉज मुझे बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पे खाने की. सो बिकॉज कोल्ड की वजह से मैं बहुत टाइम से खा नहीं पा रही थी, तो मैं जाके खा के भी आ गई और अभी मैं घर पे हूँ. एंड कल मेरा मॉर्निंग फ्लाइट है, अराउंड 5:30 ऐसे कुछ है मॉर्निंग, मुझे जल्दी उठना है. सो ब्लॉग को अभी इधर ही एंड कर देते हैं बिकॉज मुझे कल जल्दी उठना है, तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा अभी बिकॉज फ्लाइट से पहले थोड़ा नींद बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरा फ्लाइट बहुत हालत ख़राब होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट. तो अभी मेरा इनिशियल टाइम चल रहा है, मतलब आई डोंट नो अच्छे से कैसे व्लॉगिंग करते हैं, बट मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आजकल व्लॉगिंग करने में. सो तो आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए. और थैंक यू जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब हो गए हैं, मतलब प्रोग्रेस करते करते इतना सब कुछ हो गया है. थैंक यू ईच एंड एवरी वन यू नो टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड देखने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. ऐसे ही प्यार करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिए. थैंक यू, बाय बाय, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग.